नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली 2 जुलाई 2021 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मैच्योर टर्म डिपॉजिट्स पर एक सर्कुलर के थ्रू कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया। इस सर्कुलर का जनता जनार्दन यानी पब्लिक एट लार्ज से क्या लेना देना है, वही बात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने शॉर्ट में रख रहा हूं व्हाट इज मैच्योर टर्म डिपॉजिट। तो सरल शब्दों में मैंने इसे अपने शब्दों से ही परिभाषित करने की कोशिश की है। टर्म डिपॉजिट कंप्लीटिंग इट्स पीरियड ऑफ डिपॉजिट मे बी टर्म्ड एज मैच्योर टर्म डिपॉजिट। यानी मान लीजिए आपने 3 वर्ष के लिए कोई डिपॉजिट कराई और वो 3 वर्ष की डिपॉजिट आपका 3 वर्ष का समय अवधि पूरा हो गया, तो अब आपकी डिपॉजिट आरबीआई की टेक्निकल लैंग्वेज में, बैंक की टेक्निकल लैंग्वेज में मैच्योर टर्म डिपॉजिट कहलाएगी। तो अब सुनिए दोस्तों, प्रावधान क्या आया है। कंटेंट्स ऑफ आरबीआई सर्कुलर डेटेड 2 जुलाई 2021। क्या कंटेंट है सर्कुलर में, इसमें बोला गया, इट हैज बीन डिसाइडेड, हु हैज डिसाइडेड दिस सर, आरबीआई, दैट इफ अ टर्म डिपॉजिट टीडी शॉर्ट में मेच्योर्स एंड प्रोसीड्स आर अनपेड। यानी मान लीजिए अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि 3 महीने का, सॉरी 3 साल का आपका टर्म डिपॉजिट था, 3 साल पूरे हो गए और अभी आप पहुंचे नहीं बैंक के पास में अपनी डिपॉजिट की मैच्योरिटी लेने, तो क्या होगा। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इफ अ टर्म डिपॉजिट मैच्योर्स एंड प्रोसीड्स आर अनपेड, द अमाउंट लेफ्ट अनक्लेम्ड विद द बैंक शेल अट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट और द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मैच्योर टर्म डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब इसका तात्पर्य क्या है सर, इसे एक उदाहरण से अगर आपके सामने रखूं कि मान लीजिए बैंक आपको टर्म डिपॉजिट पर 5.5% इंटरेस्ट दे रहा था। अब आपका 3 साल का समय अवधि पूरा होने पर आप ये मान के बैठ रहे हैं कि चलिए मेरा एक रिन्यूअल हो जाएगा और मुझे 5.5% की ब्याज मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी आपने बैंक के पास में अपनी डिपॉजिट का अमाउंट क्लेम नहीं किया, तो मान लीजिए फॉर टाइमिंग बैंक की सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रेट है अब से 3.5%, और दूसरी ओर बैंक की उसी पीरियड की डिपॉजिट रेट है 3%। तो आरबीआई ने कह दिया कि अब बैंक सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रेट या कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट थी मैच्योर टीडी की, इस विषय पर अभी और क्लैरिटी आरबीआई की ओर से आना बाकी हो सकता है, तो उन दोनों में से जो भी कम रेट होगी उस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब आप एज अ पब्लिक एट लार्ज ये सोचेंगे कि भाटिया जी यहां तो और नुकसान होने वाला है, तो मेरी यहां पर ओपिनियन ये है दोस्तों कि आरबीआई ये प्रावधान क्यों लेकर के आई ये समझना बहुत जरूरी है। आरबीआई ऐसा मानती है कि कुछ लोग, से फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन या जिन कंपनियों के पास में अच्छी मात्रा में पैसा पड़ा हो सकता है, वो लोग कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से अपने इन्वेस्टमेंट को इन टर्म्स ऑफ वापस बिजनेस में लगाने की जगह बैंक में ही सेफ फील करते हुए डिपॉजिट के रूप में होल्ड कर रहे हों, तो कहीं बैंकों पर भार ज्यादा ना बढ़ जाए इस चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने बोल दिया कि आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रेट या तो हम वो देंगे मैच्योर डिपॉजिट पर, या जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उस मैच्योर टर्म डिपॉजिट पर फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दोनों में से विच एवर इज लेस, उस रेट के ऊपर आपको टर्म डिपॉजिट का ब्याज आगे के पीरियड के लिए, क्योंकि अभी आपने डिपॉजिट तो क्लेम कर ही नहीं है, आगे के पीरियड के लिए वही ब्याज दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, विच इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर आरबीआई सर्कुलर, दे आर ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल लोकल एरिया बैंक्स, ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों, प्राइमा फेस आए ये जो चीज मैंने आपके सामने आरबीआई सर्कुलर के रूप में रखी वो एनबीएफसीज के ऊपर लागू नहीं होती दिख रही। यानी एनबीएफसीज के जो मेच्योरिटी के बाद में आगे की रेट के प्रावधान होंगे उस पर आरबीआई का ये सर्कुलर व्यवस्था नहीं करता। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों जो आपके मेरे दिमाग में यहां पर आना स्वाभाविक है, वेदर बैंक्स विल नॉट पे इंटरेस्ट पोस्ट मैच्योरिटी डेट। क्या इस सर्कुलर की वजह से मैच्योरिटी डेट के बाद में अब बैंक हमें कोई ब्याज नहीं देंगे, ऐसा नहीं है सर। बैंक ब्याज देगा, परंतु ब्याज देगा सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रेट या उस कंसर्न पीरियड के लिए जो आज की डिपॉजिट रेट है, ये मेरी ओपिनियन है, दोनों में से विच एवर इज लेस,
उस रेट पर आपको आगे के पीरियड के लिए ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। दूसरा, वेदर ऑटो रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट विल नाउ स्टॉप। सर यहां पर भी ये भी कह सकता हूं कि ये जो आरबीआई का सर्कुलर है ये ऑटो रिन्यूअल को रोकने की बात नहीं करा। ऑटो रिन्यूअल करना है नहीं करना, क्या ऑप्शन लिया जा सकता है या नहीं, वो बैंक की कॉल है और किसी इन्वेस्टर की कॉल है। यानी बैंक अगर अपने किसी क्लाइंट को ऑप्शन देता है कि हाँ भाटिया जी आपकी 1 साल की डिपॉजिट मैच्योर होगी तो क्या हम उसे दोबारा अगले 1 साल के लिए रिन्यू कर दें, मैंने ऑप्शन टिक किया हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप सर 1 साल के लिए नई रेट पर मेरी टर्म डिपॉजिट रिन्यू हो जाएगी, उस परिस्थिति में मेरा मानना है सर्कुलर नहीं लगेगा। तीसरा सर, व्हाट एक्शन शुड एन इन्वेस्टर टेक, ऐसी परिस्थितियों में इन्वेस्टर को क्या ऑप्शन या क्या चीज ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर अवेयरनेस बहुत कम है और पब्लिक एट लार्ज में फाइनेंशियल लिटरेसी की भी मात्रा मैं बहुत कम मानता हूँ, यानी एक समझ जो फाइनेंशियल लिटरेसी की होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपकी कोई टर्म डिपॉजिट्स हैं बैंकों के पास में और इवन एनबीएफसी के पास में, तो आप अपनी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की डेट्स को लिख करके रखें, रिमाइंडर लगा करके रखें, ताकि आप किसी भी डिपॉजिट की मैच्योरिटी के होते ही बैंक के पास में उसके रिन्यूअल के लिए तुरंत पहुंच जाएं, ताकि अगर इसी प्रकार के किसी और सर्कुलर से या इस सर्कुलर से आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को दोस्तों रोका जा सके। तो दोस्तों मुझे लगता है इन्वेस्टर अवेयरनेस की दृष्टि से मुझे ये जो टॉपिक मिला मैंने इसके साथ में जस्टिस करने की कोशिश करी। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।